हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में तुम्हें ऐसे माइनक्राफ्ट के पांच इन गेम सेटिंग्स बताने वाला हूँ, जिनको एक बार अगर तुमने ऑन कर लिया तो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन जावा एडिशन बन जाएगा। हाँ, पूरा तो नहीं बनेगा लेकिन काफी हद तक बन जाएगा। अगर तुम्हें भी तुम्हारे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन को माइनक्राफ्ट जावा एडिशन बनाना है तो वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए, वरना तुम नहीं बना पाओगे। और हाँ, मेरा चैनल नया है तो सब्सक्राइब कर दो, इसी महीने के अंदर 50 सब्सक्राइबर्स पूरा करना है। चलो बिना किसी देरी के वीडियो को करते शुरू। सेटिंग नंबर 5। तो इस सेटिंग को करने से पहले माइनक्राफ्ट कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें बीच में एक सर्कल है जिसकी मदद से हम ब्लॉक्स को तोड़ सकते हैं जहाँ भी चाहे वहाँ का। चलो करते हैं सेटिंग को एनेबल। इसलिए हम सेटिंग में अगर टच पे अगर स्प्लिट कंट्रोल्स को ऑन कर देना है, उसके बाद हमारे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में कुछ जावा एडिशन जैसे क्रॉसर आ जाएगा, जो काफी हद तक जावा का फीलिंग दे देगा, लेकिन अभी भी काफी नहीं। तो चलो बढ़ते हमारे अगले सेटिंग की तरफ, सेटिंग नंबर 4। तो इसको ऑन करने से पहले जैसे पहले तुम एक बार देख लो कि हमारे जो हार्ट्स है और हंगर बार है अभी ऊपर है एकदम मोबाइल जैसा, और हमारा जो इन्वेंट्री वो भी काफ़ी ज़्यादा अजीब सा दिखता है इतना बड़ा में। लेकिन अभी इन सबको मैं एकदम से जावा में कन्वर्ट करने वाला हूँ। जावा में जैसा हार्ट्स और हंगर बार एकदम से नीचे इन्वेंट्री के ठीक ऊपर हो तो इन्वेंट्री को बदलने वाला हो। तो इसके लिए मैं सेटिंग में आके सबके पहले हमें जाना पड़ेगा वीडियो वाले सेक्शन पर। वीडियो में जाने के बाद हमें थोड़ा नीचे जाना है स्क्रॉल करके, वहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा और भी नीचे जाके ये UI प्रोफाइल करके वो हमारा पॉकेट रहेगा, उसे कर देना क्लासिक। तो उसके बाद अभी पूरा गेम का इंटरफेस जो है बदल जाएगा। जैसे तुम देख सकते हो हमारा हार्ट्स और हंगर बार दोनों एकदम नीचे आ गए हैं एकदम जावा जैसा, और अभी हमारा इन्वेंट्री भी एकदम से जावा एडिशन जैसा बन गया होगा। तुम देख ही सकते हो इन्वेंट्री पूरा का पूरा जावा एडिशन जैसा बन गया, जो काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है पहले से। तो सेटिंग नंबर 3। तो इसके लिए सबसे पहले आ जाना है तुम्हें सेटिंग में, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे बाद तुम्हें थोड़ा नीचे चला जाना है वीडियोस में फिर से, और फिर वीडियो में जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हाइड पेपर डॉल का, वो तुम्हारा ऑन रहेगा उसे कर देना ऑफ। तो इसे ऑफ करने के बाद देखो अब क्या होता है। अब तुम्हारा कैरेक्टर एकदम से ऊपर आ गया तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर, और तुम जो जो करोगे गेम में वो सब तुम्हारा वहाँ पे एक एनिमेशन होकर दिखाएगा, और जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा कमाल कर समझे जावा वाला वाइब्स देता है। जैसे अगर तुम शॉर्ट चला रहे हो तो तुम्हारा वो कैरेक्टर भी शॉर्ट चलेगा, अगर तुम नीचे देखोगे तो तुम्हारा कैरेक्टर भी नीचे देगा साइड में, और अगर तुम किसी को मारोगे तो तुम्हारा कैरेक्टर भी मारेगा, जो एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो चलो अब बढ़ते हमारे अगले सेटिंग की तरफ, सेटिंग नंबर 2। तो इस सेटिंग को करने से पहले तुम देख सकते हो मैं जिस भी ब्लॉक के ऊपर मतलब इंटरेक्ट करता हूँ तो व्हाइट कलर का दिखाता है, लेकिन इस सेटिंग को ऑन करने के लिए तुम्हें सबसे पहले आना पड़ेगा वीडियोस में। वीडियो में आने के बाद तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आउटलाइन सिलेक्शन, उसे कर देना ऑन अगर वो ऑफ है तो उसके बाद देखो क्या होता है। और अब तुम देख सकते हो कि मैं जिस भी ब्लॉक के ऊपर इंटरेक्ट करता हूँ उस पर एक ब्लैक कलर का मार्जिन आ जाता है एकदम से माइनक्राफ्ट जावा एडिशन जैसा। सेटिंग नंबर 1। अब ये सेटिंग 1 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसके लिए तुम्हें आना पड़ेगा सेटिंग्स पे, और उसके बाद तुम्हें जाना है एकदम से वीडियो में, और वीडियो में जाने के बाद तुम्हें एकदम से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके जाना है, एकदम नीचे जाना स्क्रॉल करके वहाँ पे तुम्हें मिलेगा GUI स्केल मॉडिफायर, ये तुम्हारा जितना भी है इसे एकदम से कमा देना एकदम से, मेरा तो -1 पे मैं कर देता हूँ। और उसके बाद तुम्हारा जो पूरा का पूरा स्किन हो उसके हर चीज़ छोटे हो गए होंगे, वो एकदम से माइनक्राफ्ट जावा एडिशन जैसा लग रहा है। तो तुम देख सकते हो कि मेरा पहले माइनक्राफ्ट का स्किन एकदम से पॉकेट एडिशन जैसा लग रहा था, लेकिन अभी कितना हद तक एकदम जावा एडिशन जैसा लग रहा है, पूरा का पूरा तो नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी हद तक जावा एडिशन जैसा बन गया। बस एक ही चीज़ से कमी हुई बटन का, तो उसके लिए तुम एक बटन का मोड डाउनलोड कर सकते हो, अगर नहीं भी करना तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी तुम देख सकते हो सब कुछ एकदम से जावा एडिशन जैसा लग रहा है, मतलब स्क्रीन के एनिमेशन भी मतलब कभी छोटे हो गए सब बटन, और फिर एक कैरेक्टर का एनिमेशन भी दिखा रहा है, और क्रॉस हेयर भी आ गया और ब्लैक मार्जिन भी दिखा रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है। देखो अगर तुमने अभी यहाँ तक वीडियो देखा है तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कर देना एक प्यारा सा कमेंट। और अगर तुम्हें भी जानना है कि कैसे तुम माइनक्राफ्ट 1.20 पर अनलिमिटेड डायमंड माइन कर सकते हो, तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है उसको देखो, मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा।